अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से जो है हांडी बेस को आप यूज़ कर सकते हैं समर्स में। ये मैंने आपके साथ कुछ हांडी बेस की पिक्चर शेयर की हैं क्योंकि मैं जब अपने ट्यूटोरियल्स बना रही थी मेकअप के, जिसमें मैंने बेसिस यूज़ की, तो मेरी हांडी बेस पर नाम मैंशन नहीं था, तो उस पर कमेंट्स थे कि आप बता दें कि किस कंपनी की है। तो मैंने कहा कि मैं इसके साथ शेयर कर दूँ। बहुत सारी जो है कंपनीज़ की हांडी बेस है, मिस्टोस की है, बीबी है, तो मैंने पिक्चर में ये सारी स्क्रीन पे जो मैं आपको शो कर रही हूँ डिफरेंट कंपनीज़ की जो हांडी बेस हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ हैं, तो इनमें से आप कोई भी चाहें तो अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर हम पार्टी मेकअप की बात करें तो हम एक परफेक्ट बेस बनाते हैं जो कि हमें हैवी बेस चाहिए होती है, तो उसमें हम हांडी बेस साथ लूज पाउडर देन हम जो है वाटर बेस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप समर में सिंपल हांडी बेस यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ कम्पैक्ट पाउडर के साथ, तो आपको किस तरीके से यूज़ करनी है, क्योंकि हमें जैसे हमारी ईद का जो हमारा त्यौहार है वो करीब है, तो ये जो हमारी हांडी बेस है वो मैट फॉर्म में होती है, और इसको मजीद मैट में बनाने के लिए आप किस तरह से यूज़ करें वो सारी डिटेल्स मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वैसे तो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है लेकिन मज़ीद डिटेल स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। सो जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, आपके सामने स्क्रीन पर मैंने आपको 6 कलर्स इसमें से बेसिक दिखा दिए हैं कि जो हांडी बेस में यूज़ होते हैं, और आपको इसको समर सीज़न में किस तरीके से अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। कि आपकी जो गर्मियों में कोई भी स्किन हो वो ऑयली ज़रूर होती है, तो बेसिस वगैरह भी फट जाती हैं स्किन ऑयली होने की वजह से, तो इसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है कि आपकी ईद पे जो आपकी लुक है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और मैट लुक लगे। तो जी, आप ये देख लें, आप सबसे पहले तो इसमें से ही आप फर्स्ट नंबर पर है 45, उसके बाद है जी आइवरी 36, F1 38 और J16। तो जो मेन शेड्स हैं इनमें से आपको कौन से पिक करने हैं। अगर आपका एक नेचुरल कलर जो है, जो एक गंदमी सा रंग होता है, उस पर जो है 45 कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा वाइटर स्किन टोन है तो आप इसमें जो सबसे सेकंड नंबर पे आइवरी और जो कलर है, या F1 जो है अपनी स्किन टोन के लिए ले सकते हैं। F1 भी बेसिकली जो नॉर्मल जिनका कलर जो है गोरा होता है उनके लिए है, और जो बहुत ज़्यादा मतलब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो आप उसके लिए आइवरी शेड यूज़ कर सकते हैं जो आपके स्किन टोन के साथ मैच हो जाएगा। बाकी इसमें जो 36 और 38 जो कलर है वो थोड़ा डार्क, जो 36 है वो थोड़ा पिंक टोन में होता है, जो 38 है वो थोड़ा आपका डार्क टोन में होता है, जो हम बेसिकली पार्टी मेकअप की बेस में यूज़ करते हैं। तो इसमें से जो मेन कलर आपके लिए है वो 45 आइवरी और F1 कलर है। तो जी, नेक्स्ट मैं आपको सिर्फ कंपनीज शेयर कर रही हूँ कि इनमें से बेसिकली बेसिक कलर्स मैंने आपको बता दिए कि हांडी बेस में आपके F1, 45 और आइवरी कलर आपने यूज़ करना है अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। इसमें सिर्फ अब मैं कंपनीज़ मेंशन कर रही हूँ कि आप इन कंपनीज़ की जो हांडी बेस वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने आप सबसे पहले आपको मिस्टोस की कंपनी दिखा दी, नेक्स्ट मैं आपको मैक की कंपनी बता रही हूँ। इसमें से भी आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग वही F1, 45 या आइवरी कलर जो भी आप लेना चाहें। डेली बेस की रूटीन के लिए भी अगर आप लेना चाहती हैं, फाउंडेशन नहीं यूज़ करना चाहती, तो आप इन सारी कंपनीज़ में से जो मैं आपको शो कर रही हूँ स्क्रीन पर, कोई भी आप हांडी बेस लेके आप डेली बेस पे या आप अपने कोई भी इवेंट पे जो है उसको यूज़ कर सकते हैं कंपैक्ट पाउडर के साथ। वो मैं आगे आपको तरीका बता देती हूँ। तो सबसे पहले कंपनी जो मैंने आपको शो की है वो मिस्टोस की थी, नेक्स्ट ये मैक की है, और जो थर्ड वो है जी हमारे पास बीबी की। तो ये देख लें, इसमें भी जो है कलर्स आपके सामने शो हैं, इनमें से भी आपको सिर्फ F1, 45 या आइवरी शेड आपको अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेना है। तो जी, यहाँ पे मेन 3 कंपनीज़ जो आपको डेली रूटीन में हेल्प कर सकती हैं बेस्ट कंपनीज़ का, मैंने आपको बता दिया कि आप इन तीनों कंपनीज़ में से कोई भी कंपनी की हांडी बेस चूज़ कर सकती हैं और आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है। आपने भी इसको सिंपली किसी भी ब्रश के साथ आपने इसको बहुत ही लाइट क्वान्टिटी में, क्योंकि बीबी की जो एप्लीकेशन होती है या आपकी हांडी बेस की जो एप्लीकेशन होती है वो अगर आप थिक क्वांटिटी लेंगे तो बहुत ज़्यादा लेयर्स की फॉर्म में आपको शो करेगी। तो आपने इसकी बहुत ही लाइट क्वांटिटी अपने ब्रश पे अप्लाई करनी है, उसके साथ आपने अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई आपने इसको इस तरीके से करना है कि आपने इसको रगड़ना नहीं है, जैसे आपने टैप टैप करके इसको सिर्फ ब्लेंड करना है स्किन में, और उसके बाद आपने इसके साथ कंपैक्ट पाउडर यूज़। तो जी, कंपैक्ट पाउडर की कंपनी भी मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी है। ये जी क्रिस्टाइन का कंपैक्ट पाउडर है जो कि लगाने में बहुत ज़्यादा स्मूथली आपके फेस पे अप्लाई होता है, और आपकी फाउंडेशन या बेस जो भी चीज़ आपने फेस पे अप्लाई करें उसको मजीद मैट कवरेज देता है और आपकी स्किन को जो है वो मतलब सॉफ्ट कर देता है। एक कंपनी मैंने यहाँ पर क्रिस्टाइन की कंपैक्ट पाउडर के साथ मैंशन कर दी है। दूसरी कंपनी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी मिस्टोस की ही कंपनी है, ये भी आपको पिक्चर स्क्रीन पर शो हो जाती है। ये मिस्टोस की कंपैक्ट पाउडर आप हांडी बेस के साथ यूज़ कर
सकते हैं। ये जितनी भी स्क्रीन पे मैंने आपके साथ प्रोडक्ट शेयर किए हैं ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी। हांडी बेस मैक्सिमम आपको 200 टू 250 में मिल जाती है, आप किसी भी शॉप से परचेज कर लें, जो कि मैंने स्टार्ट में मिस्ट रोज या दूसरी कंपनीज के शेयर किए। और उसके साथ तो मैंने आपको समर के लिए बेस्ट आपकी जो मतलब अगर आप लोग फाउंडेशन यूज़ करने में कम्फर्टेबल नहीं है तो आप हांडी बेस के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो है मैट लुक क्रिएट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा हैवी बेस भी नहीं लगेगी क्योंकि कैजुअल यूज़ में जो है हमें इतनी हैवी बेस नहीं चाहिए होती, तो आप हांडी बेस को बहुत ही लाइट क्वांटिटी में कम्पैक्ट पाउडर के साथ यूज़ करें। ये आपको गर्मियों में जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लुक देगी, फेस पे जो है वो ज़्यादा जो है ऑयल भी क्रिएट नहीं होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।